आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आतंक का वो नया चेहरा जो सिर्फ आवाज से पहचाना जाता है। जी हां, जो आवाज बंद हो चुकी थी वो एक बार फिर दुनिया को डराने लगी है। हम बात कर रहे हैं आईएसआईएस के उस कातिल की जो जिहादी जॉन के नाम से मशहूर था। वो जिहादी जॉन मौत की नींद सो चुका है, लेकिन एक और कातिल बन बैठा है जिहादी जॉन। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जिहादी जॉन का रिश्ता भारत से भी जुड़ता है। पांच ब्रिटिश जासूसों को मौत के घाट उतारने वाले इस वीडियो में इस शख्स को देखकर हर किसी ने एक ही बात कही, ये दूसरा जिहादी जॉन है। जी हाँ, जिहादी जॉन के मारे जाने के बाद उसी तरह के लुक में ये शख्स सामने आया, तो इसे दूसरा जिहादी जॉन कहना लाजिमी था। लेकिन अब हम इसका असली नाम और असली पहचान बताने जा रहे हैं, इसके चेहरे से नकाब हटाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये खबर हर हिंदुस्तानी को चौंका देगी। इस वीडियो में दिख रहा दूसरा जिहादी जॉन भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। जी हाँ, इसकी रगों में हिंदुस्तान का खून बह रहा है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस में भर्ती होकर लोगों को मौत के घाट उतारने वाले शख्स का असली नाम सिद्धार्थ धर है। इस खुलासे को सुनकर सिर्फ आप ही नहीं बल्कि इसे जानने वाले भी सन्न हैं। बीते कई सालों से सिद्धार्थ ब्रिटेन में रह रहा था। 10 साल पहले उसने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अबू रुमायसाह रख लिया था। पिछले साल वो बगदादी की फौज में शामिल होने के लिए सीरिया भाग गया था। इसके बाद अचानक इस वीडियो में दिखा और सीधे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को धमकी देने लगा। इसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश तो भरपूर की, पूरे चेहरे को नकाब से ढककर दुनिया को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन दो चीजों की वजह से इसकी पहचान जाहिर हो गई, इसकी आंखें और इसकी आवाज। The Islamic State, our country, is here to stay, and we will continue to wage jihad, break borders, and one day invade your land, where we will rule by the Sharia. 31 साल के सिद्धार्थ धर उर्फ अबू रुमायसाह को जानने वाले लोगों ने जब इस वीडियो को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि दूसरा जिहादी जॉन कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ और जिहादी जॉन की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों की आवाज भी एक जैसी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं दो चीजों से सिद्धार्थ धर की पहचान नहीं हुई। दरअसल सिद्धार्थ से अबू बना ये शख्स बीते कई सालों से ब्रिटेन में शरिया कानून लागू करने की आवाज बुलंद करता रहा है। वो ब्रिटेन के एक कट्टरपंथी लीडर मौलवी अंजेम चौधरी की रैलियों में कई बार देखा गया था। वो कई बार इस्लामिक आइडियोलॉजी पर टीवी इंटरव्यू भी दे चुका था। उसी दौरान उसका इंटरव्यू लेने वाले मुज्तबा अली ने भी कहा है कि ये नया जिहादी जॉन सिद्धार्थ धर ही है। Audio is very similar. You know, his voice is quite clear, and also he liked media attention. You know, he did a lot of interviews before he fled Syria, which means I presume he wants to publicize himself. हालांकि लंदन में रहने वाली सिद्धार्थ धर की बहन कोनिका धर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। कोनिका के मुताबिक उसे इस बात पर यकीन करने के लिए जांच एजेंसियों से और सबूत चाहिए। उसके मुताबिक अगर ये सच निकला तो ये बेहद सदमे वाली बात है। कोनिका का कहना है कि अगर उसके भाई ने ऐसा किया है और वो कभी लौट कर यहाँ आया तो वो खुद उसे मार डालेंगी। In terms of the physique and what I've seen visually, I'm not convinced that it is him. And also just the shock and horror that I felt from the execution itself. He would never do that. So I'm just not. सिद्धार्थ पूर्वी लंदन में एक दुकान चलाता था।
उसके परिवार में एक पत्नी और चार बच्चे हैं। उसका पांचवा बच्चा सीरिया में ही पैदा हुआ है। 2014 में सिद्धार्थ को आतंकी संगठन अल मुजाहिरू से रिश्ते रखने के आरोप में 8 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जमानत पर रिहा होते ही वो पत्नी और बच्चों के साथ सीरिया भाग गया। वहाँ उसने ISIS ज्वाइन कर लिया। वो पहले भी कहता रहता था कि IS में शामिल होने के लिए वो ब्रिटिश सिटीजनशिप छोड़ सकता है। ब्रिटेन की सड़कों पर घूम घूम कर पर्चे बांटते हुए वो बार बार यही दोहराता था कि एक दिन ब्रिटेन में भी शरिया कानून लागू होगा। अब उसका ये रूप देखकर ब्रिटेन की संसद में भी उस पर चर्चा हो रही है। People will have been sickened to see images from the latest Daesh video on their television screens last night. What makes it even more disturbing are the British voices in the video and reports that one of them is a UK national who absconded to Syria whilst on police bail for terrorism-related offences. इस मामले में ब्रिटिश पुलिस से भारी चूक हुई है। जमानत मिलने के बाद सिद्धार्थ की कोई खोज खबर नहीं ली गई। अब उसके सीरिया भाग जाने के 6 हफ्ते बाद ब्रिटिश पुलिस ने उसके खिलाफ समन जारी कर अपना पासपोर्ट सौंपने के लिए कहा है, जबकि नियमों के मुताबिक जमानत मिलते ही उसे अपना पासपोर्ट पुलिस को सौंपना था। इस मामले में ब्रिटेन की सरकार को तब होश आया जब उन्हीं के एक नागरिक ने ब्रिटेन के 5 जासूसों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि सिद्धार्थ उर्फ अबू ने नवम्बर 2014 में ही अपने बच्चे के साथ एक फोटो ट्विटर पर शेयर की थी। तब उसने लिखा था कि मुझे फक्र है कि मेरे बच्चे ने इस्लामिक स्टेट में जन्म लिया है। कुछ साल पहले उसने किताब भी लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि ISIS में कैसे भर्ती हो सकते हैं। जाहिर है उसके इरादे शुरू से ही कट्टरपंथी थे। इसके बावजूद उसे लेकर पुलिस गंभीर नहीं हुई और अब ये शख्स पूरे ब्रिटेन में दहशत का दूसरा नाम बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। एक पुरानी कहावत है कि बच्चे तो फरिश्ते होते हैं। यह ऐसी कहावत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सब इस बात को मानते हैं कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी बस्ती जहां शैतानों ने फरिश्तों को बना लिया है अपनी ढाल। चलिए आपको दिखाते हैं राक्षसों की नगरी का यह खौफनाक सच। साल 2015 की शुरुआत में दुनिया के सामने आया एक ऐसा खौफनाक वीडियो जिसे देखने वालों के दिल कांप गए। 9 या 10 साल का एक मासूम लड़का हाथ में पिस्तौल लिए कुछ लोगों के सिर उड़ाने की तैयारी कर रहा था। यह वीडियो दुनिया की सबसे खूंखार बस्ती से जारी हुआ था। वीडियो में दावा किया गया था कि फरिश्तों जैसा मासूम दिखने वाला लड़का ISIS के खिलाफ जासूसी कर रहे रूसी जासूसों को मौत के घाट उतार रहा है। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया के सबसे खूंखार दहशतगर्दों के खिलाफ सभ्य समाज की नफरत बढ़ ही रही थी कि एक और वीडियो ने दुनिया को दहला दिया। इस बार फिर एक मासूम लड़के को कातिल बनते दिखाया गया। इस लड़के की उम्र भी 9 या 10 साल ही थी। इसे इजरायली जासूस का सिर कलम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद तो ऐसी तस्वीरों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। ISIS के आतंकी मासूम बच्चों के हाथों जासूसों को मौत के घाट उतरवा कर दुनिया को दहशत का पैगाम देते रहे। लेकिन जो नया वीडियो जारी हुआ है उसने तो हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी। जरा इस बच्चे को गौर से देख लीजिए। इस मासूम के चेहरे पर भी वही फरिश्तों वाली मुस्कुराहट है। इस उम्र में इसे जिंदगी और मौत के मायने भी नहीं पता, लेकिन हैवानों ने इसके हाथ में थमा दिया है
मौत का सबसे खतरनाक हथियार। इस बच्चे की उम्र महज 4 साल है। जाहिर है इसे नहीं मालूम यह हथियार है या खिलौना। वो तो बस उसे देखकर खुश है। आपको बता दें कि इस बच्चे की ये तस्वीरें आईएसआईएस के आतंकियों ने उस वक्त रिलीज की जब 5 ब्रिटिश जासूसों को मौत के घाट उतारा गया। मरने वाले ब्रिटिश जासूस थे या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन फिलहाल इस बच्चे की तस्वीरों ने लंदन में खलबली मचा दी है। दरअसल इस बच्चे की पहचान 4 साल के ईसा के रूप में हुई है और इसके नाना नानी दक्षिणी लंदन में रहते हैं। बच्चे के नाना का नाम संडे हेनरी डेयर है। हेनरी ने आतंक के गढ़ से आए इस वीडियो को देखकर अपना माथा पीट लिया है। वो अपने नाती को तो निर्दोष मानते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी ग्रेस डेयर ईसाई धर्म में पैदा हुई, लेकिन 2 साल पहले इस्लाम धर्म कबूल करके खदीजा बन गई, जिसके बाद वो सीरिया चली गई। आईएसआईएस की नगरी में खदीजा की शादी स्वीडन के जिहादी अबू बकर से करा दी गई। ग्रेस डेयर के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस इतना जानते हैं कि उनका नाती ईसा पूरी तरह निर्दोष है। It's a propaganda. They are just the small boy. He doesn't know anything. He's a small boy. They are just using him as a shield. वो चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी ब्रिटेन वापस लौटती है तो उसे उसके किए की सजा जरूर दी जाए। वहीं ग्रेस की माँ यानी ईसा की नानी इस वीडियो को देखने से भी घबरा रही है। 4 साल के बच्चे के हाथों में इतने खतरनाक हथियार देखकर उनका कलेजा कांप रहा है। आपको बता दें, ग्रेस उर्फ खदीजा नाइजीरिया के ईसाई परिवार में पैदा हुई थी। दक्षिणी लंदन में उसकी परवरिश हुई, लेकिन लड़कपन में ही उसने अपना मजहब बदल दिया, जिसके बाद अब उसके बेटे की तस्वीरों ने दुनिया में खलबली मचा दी है। वैसे आपको बता दें, मजहब बदलकर आतंक की बस्ती में बसने वाली ग्रेस कोई पहली लड़की नहीं है। ऐसी ही कई जिहादी बीवियां सीरिया और इराक में आईएसआईएस के गढ़ में पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने धर्म बदलकर खून से सने इस रास्ते को चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।